जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और मजेदार सा गेम आपकी पार्टी के लिए। आज की गेम के रिक्वायरमेंट में आपको 6 कप लगने वाले हैं। मैंने डिस्पोजल लिए, आप चाहे तो बाउल भी ले सकते हैं। साथ में आपको लगेगा एक डाइस और हाउजी के काउंटर्स। हाउजी के काउंटर्स बिल्कुल ऑप्शनल है, इसकी जगह आप राजमा, कॉइन या चने भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा आज का गेम। आज के गेम में जैसे मैंने आपको कहा है कि हमें 6 कप चाहिए, तो आप इसके ऊपर 6 नंबर्स डाल देंगे जो कि हमारे डाइस पे होते हैं। 1 मिनट का आज का ये गेम है। 1 मिनट में मेंबर्स जो 1 बाय 1 मेंबर आ रहे हैं, डाइस रोल ऑन करेंगे और उनका टाइम स्टार्ट करने के बाद मानिए उनका 3 आ गया। तो इसमें से 3 काउंटर्स लेके वो 3 वाले कप को इस तरीके से सीधा करेंगे, पलटा के उसमें 3 काउंटर्स डाल देंगे। फिर डाइस रोल ऑन करेंगे, डाइस रोल ऑन करके उनका मानिए 6 आ गया, तो 6 वाले कप को भी वो सीधा कर देंगे और सीधा करके इस कप में 6 काउंटर्स डाल देंगे। फिर अगर 5 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 4 है, उसमें भी काउंटर्स डालते जाएंगे। मगर मानिए कि जैसे उनका अगर फिर से 3 आ गया है, तो 3 वाले 3 के जो हमारे काउंटर्स है वापस से इस सेंटर बाउल में डाल के इस कप को इस तरीके से रख देंगे। फिर 6 आ जाता है, तो 6 वाले भी काउंटर्स वापस इसमें डाल के इसे भी इस तरीके से सीधा करके रख देंगे। तो एक बार अगर आपका नंबर आता है 5, तो आप 5 में काउंटर्स डालेंगे। अगेन आपका नंबर आ जाता है 5, तो आप 5 के काउंटर्स लेके सेंटर बाउल में डाल देंगे। इसी तरीके से 1 मिनट तक गेम चलते रहेगा। गेम का जो स्कोर है थोड़ा सा ट्विस्टी होने वाला है, तो एक बार मैं आपके संग गेम खेल लेती हूँ, उसके बाद मैं उसका स्कोर आपको निकाल के बताऊंगी। तो मैं अपना टाइम स्टार्ट करती हूँ। अब मेरा टाइम स्टार्ट हो गया है, मेरा आया है 5, तो मैं 5 का कप सीधा करके इसमें 5 काउंटर्स डाल दूंगी। देन डाइस रोल ऑन किया, 2, 6, 3, 5, तो 5 का मेरे इसमें ऑलरेडी थे, तो इसको डाल के मैं सीधा कर दूंगी। 6 में भी है, तो इसे डाल के मैं सीधा कर दूंगी। 1, 3, 3 में भी काउंटर्स है, 2, 2 में भी काउंटर्स है, अगेन टू, 3, 6 और मेरा टाइम यहीं पे स्टॉप हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मेरे 3 जो है 3 कप में काउंटर्स है और 3 कप मेरे ब्लैंक है। तो इसका स्कोर निकालने के लिए पहले मैं देख लेती हूँ मेरे किन कप में काउंटर्स है और मेरा स्कोर कितना है। तो ये 6 में है, ये 3 में था, तो 9 और 1, तो मेरा स्कोर जो है 10 हो चुका है। और फ्रेंड्स, मेरा स्कोर इसमें 10 है और मेरे 3 कप बच रहे हैं 2, 4 और 5 का। तो मेरे जो स्कोर बना है, स्कोर में से ही जो मेरे 3 कप बचेंगे उसको माइनस कर दिया जाएगा, यानी 5 प्लस 4 होगा 9, 9 प्लस हो जाएगा 2, 11। मेरा स्कोर 10 ही है, तो उसमें से अगर हम 11 माइनस करते हो तो -1, यानी मेरा स्कोर इस गेम में 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप स्कोर निकालेंगे। अगर मानिए आपका स्कोर इसमें 14 होता है और ये 3 कप बचते हैं, तो इनका जैसे स्कोर 11 है, तो आपका 14 में से 11 माइनस कर दिया जाएगा, आपका स्कोर हो जाएगा 3। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा गेम आपको अच्छे से समझ गया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर वीडियो को लेके कुछ भी क्यूरीज है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।